फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है यूपी टेट एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपका इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर वेबसाइट पे ट्रैफिक सोर्स इतना अधिक होने के नाते वेबसाइट प्रॉपरली तरीके से ओपन नहीं हो रही है। बट आप यहाँ पर 3 से 4 बार ट्राई करेंगे तो वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने जो दिया है वो ओपन ज़रूर होगा और आप वहाँ पर जाने के बाद अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। पर उससे पहले दोस्तों यहाँ पर छोटी सी नोटिफिकेशन देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर देखिए कुछ वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पे डाल करके जो है इसमें एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना होगा। पर उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट updlet.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिंक इसका ओपन करना चाह रहा हूँ पर यहाँ पर द सर्विस इज़ अनअवेलेबल करके आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों वेबसाइट जो है रिसेंटली एक्टिवेट होने के नाते और ट्रैफिक सोर्स अधिक होने के नाते जो है ये वेबसाइट प्रॉपरली तरीके से नहीं ओपन होती है। तुरंत आप जो है यहाँ पर कुछ घंटे बाद ट्राई करें दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर आपको 6 या 7 बजे तक ट्राई कीजिए तो आपका जो है यही लिंक जो है डायरेक्टली जो है आपका इंटरफेस पर आ जाएगा। अपना सब कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। पर मैं कुछ आपको पिक्चर्स की मदद से दिखा देता हूं किस तरीके से आपको यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। सो गाइस यार यहां पे जैसे ही आपका वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होगा तो आप यहां देख पाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहां पे चलते हुए नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट में दिखाई देगी यूपीटेट 2021 एडमिट कार्ड। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद भी आपको एरर शो हो सकता है, इसलिए दोस्तों कुछ घंटे बाद ट्राई करें, आपका जो है इंटरफेस जरूर ओपन होगा। ओपन होने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है यहाँ पर आपके फॉर्म में ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी कर लें। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ आप देखेंगे वन टाइम पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यूज्ड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, यानी कि आपने जो फाइनल प्रिंट आउट लेते वक्त जो आपने लास्ट वाला इसमें पासवर्ड बनाया था दोबारा से, वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चर कोड शो होगा। बहरहाल अभी ये कैप्चर कोड यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ट्रैफिक सोर्स होने के नाते, तो यहाँ पर कैप्चर कोड शो होगा, आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों कैप्चर कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है लॉगिन। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी प्रोसेस के माध्यम से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने दे रखा है, ऑलरेडी उसे कॉपी करके रख लीजिए। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ना भूले, साथ ही पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।